लोकसभा चुनाव में 5 सीट हारने के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी ने हर वर्ग के वोटर्स को लुभाने के लिए घोषणाओं की बाढ़ ला दी है। इसी क्रम में अब हरियाणा में सड़क हादसों के पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत हिट एंड रन केस के पीड़ितों को कैशलेस इलाज के साथ मुआवजा भी दिया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस स्कीम के तहत बीमाकृत और बीमा रहित वाहनों और हिट एंड रन केस के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर मुआवजे के भुगतान का आदेश जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निःशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी। हमने इसको 112 के साथ जोड़ करके कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो उसको पहुंचाएंगे। कई बार जब पेशेंट वहां जाता था ये सोचते रहते थे कि इसका पैसा कौन देगा कौन नहीं देगा। अगर किसी का दुर्घटनावश कोई दुर्घटना हो जाती है एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको नियरेस्ट चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है उसको तुरंत वहां पहुंचाएंगे और उसका सारा खर्चा वो सरकार वहन करेगी। ये निर्णय हमने किया है और ये सारा का सारा खर्चा ये जो वहन होगा ये हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। हमने इस स्कीम के अंदर लिया है। इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस स्कीम को सही ढंग से लागू करने के लिए स्थायी समिति का गठित करने का प्रावधान किया गया है। स्थायी समिति का गठन करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इस समिति में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी तथा साधारण बीमा परिषद के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए दावा संबंधित दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा दावे की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त डीसी को वो भेजी जाएगी और जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर कंपनसेशन के भुगतान के आदेश जारी कर दिए जाएगा और इसके 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का भी जो पैसा उसके इलाज के लिए खर्च हुआ वो भी तुरंत जारी हो जाएगा। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जहां उसके इलाज के लिए दवाई या कुछ और उसका जो खर्चा आएगा वो भी दिया जाएगा।